फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से मेदू वड़ा, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा। वजन से बोलूँ तो ये 250 ग्राम के करीब है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च जो मैंने छोटी छोटी काट ली थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, और जिस कप से हमने चावल का आटा लिया था उसी कप से मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश दही है, और उसी कप से 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। यानी चावल का आटा, दही और पानी का रेशियो हमारा इक्वल है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको लगे कि पानी की मात्रा आपकी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक घोल बनाना है, क्योंकि दही सबका अलग होता है। देखिए, इस कंसिस्टेंसी का घोल होना चाहिए। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। घोल हमारा तैयार हो गया है। अब गैस पर आप चढ़ाएं कोई कढ़ाई, और उसमें आप इस घोल को डाल दीजिए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि ये गाढ़ा होके एक डो ना बन जाए। चावल का आटा बहुत जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है, तो इसे चलाते रहिए, आप छोड़ के ना जाएं। देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लगभग हमारा डो रेडी है। इसे और थोड़ा सा सुखाएंगे तो ये एकदम डो बन जाएगा। लीजिए, डो हमारा बन गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे एकदम भी ठंडा मत करिएगा, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी बड़ा बनाने में। मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। दो हमारा हल्का ठंडा हो गया है। अब हाथों में आप थोड़ा तेल लगाकर इसे ग्रीस करिए। जितना बड़ा आपको वड़ा बनाना है आप उतना बड़ा पोर्शन लीजिए। हाथों में इसे राउंड करिए और वड़ा का शेप दे दीजिए। हल्का सा प्रेस करिए। बहुत ही इजी मेथड है। अब आप उंगली से इसके बीच में एक छेद कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर हमारा वड़ा बना है। इसी तरह से आप बाकी सारे वड़े भी बना लीजिए। इन्हें बनाने के लिए बस एक ही टिप है कि आप हाथों को ग्रीस करके रखिएगा, नहीं तो चावल का आटा हाथों में चिपक जाएगा और वड़े बनाने में आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। देखिए, मेरे सारे वड़े रेडी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने काफ़ी गर्म किया है, और मीडियम पे आप फ्लेम रखिए, और आस्ते आस्ते आप जितने वड़े आपके एक बार में आ पाएँ आप उतने ही डालें। अभी हम इन्हें फ्लिप नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा शेप ऑब्टेन कर लेंगे हम उसके बाद इन्हें फ्लिप करेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। हल्का हल्का इन्हें सेपरेट कर दे, क्योंकि ये चावल के आटे के हैं ना, तो बहुत जल्दी चिपक जाते हैं आपस में। जब ये एक तरफ से लाल हो जाए उसके बाद आप इसे धीरे से फ्लिप कर दें। देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। अब इन्हें हम उल्टे साइड में भी सेक लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम और हाई ही रखिएगा।
लो फ्लेम में इसे पकाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमें तेल बहुत गर्म चाहिए। तो लीजिए, हमारे वड़े रेडी हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप सेकंड बैच के वड़े भी फ्राई कर लीजिए। लीजिए, हमारे सारे वड़े तैयार हैं। इन्हें मैंने दही के रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो सॉस, चाय, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। देखिए ये अंदर से कितने सॉफ्ट है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंजॉय।